बिहार की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की तरफ से भी इस सीट को लेकर कवायद लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने पूर्व मंत्री श्याम रजक को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें आपको, श्याम रजक पहले जदयू में थे और नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री थे, मगर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, मगर किसी कारणवश उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला। श्याम रजक अपनी परंपरागत सीट फुलवारी शरीफ से टिकट चाहते थे, मगर किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिला। अब माना जा रहा है कि श्याम रजक के साथ हुई ज्यादती की भरपाई करने के लिए आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज सकता है। महागठबंधन के रुख से एक बात तो ये साफ है कि वो नीतीश कुमार सरकार के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।